कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया अपने पुराने मालिक के पास वापस लौट आई है। एयर इंडिया के लिए सरकार ने टाटा ग्रुप की बोली को मंजूरी दे दी है। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को खरीदा है। इस डील के अंदर सरकार 15,300 करोड़ रुपए से एयरलाइन के कर्ज को चुकाएगी और 2700 करोड़ रुपए सरकार को कैश के रूप में मिलेंगे। इस बात की जानकारी DIPAM के सेक्रेटरी तुहीन कांत पांडे ने दी है। तुहीन कांत पांडे ने कहा कि टाटा सन्स की इकाई टेलेस प्राइवेट लिमिटेड 18,000 करोड़ रुपए के साथ एयर इंडिया के लिए विनिंग बिडर रही। ये सौदा इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। बता दें कि एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। तुहीन कांत पांडे ने आगे बताया कि सरकार 2009-10 से लेकर अब तक एयर इंडिया में कुल 1,10,276 करोड़ रुपए डाल चुकी है। 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया पर 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसके बाद अब डील फाइनल हो जाने के बाद विनिंग बिडर टाटा सन्स 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज वहन करेगी, जिसके बाद एयर इंडिया पर 46,262 करोड़ रुपए का कर्ज बचेगा। वहीं एयर इंडिया के वापस आने की खुशी में रतन टाटा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। रतन टाटा ने ट्वीट करके लिखा, वेलकम बैक एयर इंडिया। टाटा ग्रुप में एयर इंडिया की 68 साल बाद वापसी होने जा रही है। टाटा समूह ने एयर एशिया इंडिया के जरिए एयर इंडिया के लिए बोली लगाई थी। एयर इंडिया को टाटा समूह ने ही शुरू किया था। JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त विमान सेवाएं रोक दी गई थीं। जब फिर से विमान सेवाएं बहाल हुईं, तो 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर उसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। आजादी के बाद 1947 में एयर इंडिया की 49% भागीदारी सरकार ने ले ली थी और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। आज की तारीख में एयर इंडिया में 12,085 कर्मचारी हैं, जिसमें से 8,084 स्थायी कर्मचारी हैं और 4,001 कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस में 1,434 कर्मचारी हैं। फिलहाल विनिंग बिडर टाटा सन्स सभी कर्मचारियों को अगले एक साल तक बरकरार रखेगी, लेकिन इस एक साल के बाद वो इन सभी कर्मचारियों को निकाल भी सकती है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।